दोस्तों, अगर आप भी अपना करियर मेडिकल क्षेत्र में बनाना चाहते हैं तो नर्सिंग आपके लिए बेस्ट करियर ऑप्शन हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान राजेश में। इस चैनल में हम आपको करियर से रिलेटेड जानकारी देंगे जिससे अपना करियर आप आसानी से सेटअप कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि नर्सिंग क्यों है आपके लिए बेस्ट। नर्सों की मांग दुनिया भर में तेजी से बढ़ रही है जिससे युवाओं का रुझान इस तरफ काफी तेजी से बढ़ रहा है। जिस तीव्र गति से जनसंख्या बढ़ रही है उसी तीव्र गति से बीमारियां भी अपना पैर पसार रही हैं। इसे देखते हुए भारत में अधिक नर्सिंग कॉलेज खुलने वाले हैं जहां आप करियर आसानी से बना सकते हैं। नर्सिंग के क्षेत्र में महिला और पुरुष आसानी से अपना करियर बना सकते हैं। वहीं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने नर्सिंग व्यवस्था को पहले से अधिक मजबूत बनाने की योजना बनाई है। अब बात करते हैं नर्सिंग में क्या है काम। तो नर्स हॉस्पिटल, नर्सिंग होम और चिकित्सालय संस्थानों में, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, काम करते हैं। इसमें महिला और पुरुष दोनों होते हैं। इसके साथ ही इन्हें कुछ प्रशासनिक जिम्मेदारियां भी दी जाती हैं और एक नर्स मरीजों की देखभाल भी करता है। अब नर्सिंग में करियर क्या है, कहाँ से आप जॉब पा सकते हैं, थोड़ा उसके बारे में जान लीजिए। चिकित्सा क्षेत्र में अस्पतालों का कामकाज इस बीच काफी तेजी से बढ़ा है। अब मरीजों के लिए उपचार ही नहीं बल्कि उनके सेवा सत्कार पर भी अधिक ध्यान दिया जाने लगा है। नर्सिंग में कई स्तर के कोर्स होते हैं जहाँ से आप अपना करियर चुन सकते हैं। 12th के बाद से ही आप अपना करियर नर्सिंग में बना सकते हैं। यदि आप नर्सिंग की बेसिक पढ़ाई करते हैं तो स्टाफ नर्स बन सकते हैं, लेकिन बेहतर भविष्य के लिए नर्सिंग में MPhil और PhD भी कर सकते हैं। इसके साथ ही आप नर्सिंग में स्पेशलिटी भी ले सकते हैं, जैसे कार्डियोलॉजिस्ट, क्रिटिकल केयर, ऑन्कोलॉजिस्ट। तो नर्सिंग के बाद आपको कहाँ कहाँ जॉब मिल सकता है? तो नर्सिंग के बाद आपको ऐसे कई जगह हैं जहां पे आपको आसानी से जॉब मिल सकता है। नर्सिंग एक ऐसा सेक्टर है जहां आप मरीजों की देखभाल तक ही सीमित नहीं रह जाएंगे। योग्य नर्सों के लिए एजुकेशन, एडमिन और रिसर्च से संबंधित काम के भी मौके मिलते हैं। नर्सिंग से जो भी व्यक्ति जुड़ा है वह कभी भी बेरोजगार नहीं रह सकता है। यदि इन्हें गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती है तो ये किसी निजी हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, अनाथालय एवं वृद्धाश्रम तथा इंडस्ट्री में भी जॉब प्राप्त कर सकते हैं। कुछ नर्सिंग कॉलेजों के बारे में आइए हम आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे है भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ नर्सिंग जो कि पुणे में है। दूसरा है श्री शंकराचार्य कॉलेज ऑफ नर्सिंग जो कि भिलाई में है। तीसरा है दिल्ली पैरामेडिकल एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट जो कि दिल्ली में है। और चौथा है KMCH कॉलेज ऑफ नर्सिंग जो कि तमिलनाडु में है। तो अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें तथा वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें जिससे मेडिकल क्षेत्र में जो संभावनाएं आती हैं लोग उसको अच्छी तरह से अपना करियर बनाने में काम कर सके, क्योंकि मेडिकल एक ऐसा क्षेत्र है जहां आप अपना करियर आसानी से बना सकते हैं, बस थोड़े से मेहनत करने की जरूरत है। वैसे भी इस चैनल में हम आपको करियर से रिलेटेड हर प्रकार की जानकारी हमेशा देते रहेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।